औद्योगिक नगरी पीथमपुर की नगर पालिका परिषद द्वारा बारिश के मौसम को देखते हुए दरोगा सफाई कर्मियों को रेनकोट का वितरण किया गया। नगर पालिका उपाध्यक्ष पप्पू असोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश के दिनों में कर्मचारियों को बारिश से बचने और शहर में सफाई कार्य बाधित न हो और निरंतर शहर में नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी बिना किसी असुविधा के जनता की सेवा में लगे रहे, इन्हीं को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष सेवंती सुरेश पटेल और नगर पालिका के पार्षदों द्वारा शहर के सभी वार्डों में सेवाएँ देने वाले सभी सफाई कर्मियों को परिषद के द्वारा रेनकोट का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश पटेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉक्टर मधु सक्सेना, HOBS महते, नगर पालिका उपाध्यक्ष पप्पू असोलिया, कांग्रेस के शहर कार्यकारी अध्यक्ष परमेश्वर रघुवंशी, वरिष्ठ पार्षद प्रेम पाटीदार सहित सफाईकर्मी कर्मचारी मौजूद रहे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आज नगर पालिका द्वारा अध्यक्ष CMO एवं पार्षद एवं अधिकारियों की उपस्थिति में जिस तरह की वर्षा में कर्मचारी सफाई कर्मचारी काम करते हैं, वो दिन रात लगे रहते हैं, तो उस दिन इन्हीं के लिए आज नगर पालिका द्वारा रेनकोट का वितरण किया गया। आपका नाम है? पप्पू असोलिया, उपाध्यक्ष नगर पालिका पीथमपुर। आज बरसात का मौसम होने से सफाई कर्मचारियों को, बेट और दरोगाओं को, हमारे ड्राइवर्स को असुविधा होती थी, बरसात में भीगने से बीमार होने की भी शंका थी, इसलिए सभी को हमने रेनकोट वितरित किए हैं, जिससे पीथमपुर की सफाई प्रभावित ना हो और काम बिना रुकावट के चलते रहे, पूरा क्षेत्र हमारा जो है स्वच्छ रहे, इसी के उद्देश्य से आज जो है रेनकोट वितरण का एक कार्यक्रम किया गया। आपका नाम है? प्रेम पाटीदार, पार्षद सभापति स्वास्थ्य समिति नगर पालिका परिषद पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।